मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए है मतगणना शुरू हो गई है। इस वक्त हमारे साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर काउंटिंग शुरू हो गई है, क्या कुछ तैयारी निर्वाचन आयोग ने? देखिए, सभी 52 जिला मुख्यालय जहाँ पे काउंटिंग हो रही है वहाँ पे पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं काउंटिंग की। कल भी इसकी समीक्षा की गई थी, अभी सभी जगह काउंटिंग आरंभ हो गई है। 29 जगहों पे जहाँ पे आरओज हैं वहाँ पे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग 8 बजे से शुरू हुई है। आधे घंटे के बाद 8:30 बजे से वहाँ ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। बाकी जो 23 हमारे काउंटिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वहाँ पे ईवीएम की काउंटिंग 8 बजे से अभी शुरू हो गई है। तो सभी जगह काउंटिंग आरंभ हो गई है और जैसे जैसे परिणाम प्राप्त होंगे वो आपसे साझा किए जाएंगे। सर, गर्मी को लेकर क्या कुछ व्यवस्था? गर्मी है, आज तो मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन गर्मी को देखते हुए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। छाया की व्यवस्था, शेड्स की व्यवस्था है, वहाँ पे टेंट वगैरह, शामियाना वगैरह लगाए गए हैं काउंटिंग सेंटर्स पे बाहर की तरफ। काउंटिंग हॉल के अंदर कूलर की व्यवस्था की गई है। कई जिला मुख्यालयों पे कलेक्टर्स ने एसी की व्यवस्था भी की है। इसके अलावा गर्मी को देखते हुए फायर टेंडर्स की व्यवस्था, मेडिकल टीम की व्यवस्था, कई जिलों में 2-4 बिस्तरों के टेम्प्रेरी हॉस्पिटल्स क्रिएट किए गए हैं। मेडिकल टीम स्टैंड बाई पे है, एम्बुलेंस है, तो वो सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया गया है कि काउंटिंग सुगमतापूर्वक हो और एक बेहतर माहौल में काउंटिंग संपन्न हो। सर, अगर मध्य प्रदेश की नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ कुछ क्या सुरक्षा की दृष्टि से? नहीं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जब मतदान का समय था तो चूंकि इंटीरियर्स में पोलिंग बूथ्स होते हैं तो उस समय हम लोगों ने एयर सपोर्ट की व्यवस्था भी रखी थी, एयर एम्बुलेंस की, हेलीकॉप्टर्स वगैरह की। काउंटिंग्स जिला मुख्यालय पे हो रही है इसलिए कोई सिक्योरिटी का वैसा थ्रेट नहीं है। तो जब जो व्यवस्थाएं बाकी जगह की गई हैं वो वहाँ भी की गई हैं। हाँ, एक्स्ट्रा विजिलेंट हम लोग जरूर हैं और अलग से भी उस पर नज़र रखे हुए हैं। सर, राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ क्या कुछ तैयारी है? नहीं, भोपाल में भी हर स्थान पर अपने अपने प्रकार से तैयारी की गई है। एक जो ब्रॉड तैयारी होती है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो सभी जगह उसी तरह की तैयारियां हैं। भोपाल के काउंटिंग सेंटर का निरीक्षण मैंने भी किया था, यहाँ पे पुरानी जेल में वो काउंटिंग व्यवस्था होती है, तो व्यवस्थाएं ठीक हैं। विधानसभा के दौरान भी काउंटिंग वहीं हुई थी, लोकसभा की भी काउंटिंग वहीं हो रही है, तो मुझे उम्मीद है कि भोपाल की काउंटिंग में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और यहाँ भी व्यवस्थाएँ बढ़िया हैं, बेहतर है। सर, अगर बात करें तो जो पिछला लोकसभा चुनाव था उसमें हमने देखा था कि काफ़ी समय लग गया था, तो सर इस बार क्या टेबल्स कुछ बढ़ाई गई हैं सर? हाँ, टेबल्स की संख्या हम लोगों ने बढ़ाई है, 28 टेबल तक भी लगाई गई हैं कई विधानसभा क्षेत्रों में, तो मिनिमम 14 टेबल से लेकर के अधिकतम 28 टेबल्स तक लगाई गई हैं, जिसके कारण नंबर ऑफ राउंड्स थोड़े कम होंगे हमारे। तो मुझे उम्मीद है कि पिछले लोकसभा चुनाव जिसका आप जिक्र कर रहे हैं तो बहुत विलंब नहीं होगा काउंटिंग के परिणाम प्राप्त होने में। सर, फिर भी कितने बजे तक भोपाल की स्थिति क्लियर? भोपाल में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं बट स्थिति क्लियर होने का जहाँ तक सवाल है, एक होता है अंतिम परिणाम और एक होता है स्थिति क्लियर होना या रुझान स्पष्ट होना। वो मुझे लगता है कि दोपहर बाद तक स्पष्ट हो जाएंगे हमारे साथ। बिल्कुल, तो जो है निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है और काउंटिंग जो है शुरू हो गई है, लगातार नज़र बनाए हुए हैं। अब देखना होगा जो रुझान है, शुरुआती रुझान, जैसा कि हमें अभी पदाधिकारी ने बताया कि दोपहर तक है जो क्लियर चीज़ें होने लगेंगी और इस बार जो है भोपाल सीट को ज़्यादा विलंब नहीं करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सनी के साथ अंजलि सिंह, INS 24x7 भोपाल।